हाउ टर्कीज डेडली अर्थक्वेक मूव द कंट्री बाई 10 फीट। अब तक टर्की एंड सीरिया में 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए कि ये कितना डिवास्टेटिंग है। प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन ने तुर्की के 10 प्रोविंस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। एक यूएन ऑफिशियल ने यह भी अंदाजा लगाया है कि वहां हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं, हजारों बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, जिसमें स्कूल्स हॉस्पिटल्स शामिल हैं। यही हाल सीरिया का भी है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डैमेज्ड था ड्यू टू इंटरनल वॉर बिटवीन रिबेलियन ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट। वहां के हॉस्पिटल्स की हालात इसी वजह से और भी खराब है। लोग वॉर की वजह से पहले से ही अपना घर छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन इस अर्थक्वेक के बाद सिचुएशन और खराब हो गई और तुर्की को जितनी हेल्प मिल पा रही है उतना सीरिया को नहीं। कुछ लोगों ने नॉर्थ वेस्ट सीरियन टाउन में एक रोती हुई नवजात बच्ची को पाया जो कि 5-स्टोरी बिल्डिंग के मलबे के नीचे पाई गई। उसका अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी माँ से अटैच्ड था और उसकी माँ मर चुकी थी। फिर उस बच्ची को रेस्क्यू करके पास के ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भिजवाया गया, जहां उसे इंक्यूबेटर में रखा गया। अब ऐसे में इंडिया ने भी आगे बढ़कर तुर्की की मदद के लिए अपनी आर्मी मेडिकल टीम एनडीआरएफ को एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज के साथ भेजा है, जिसमें कि मेडिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल आइटम्स, मेडिसिन शामिल। इसी तरह से सीरिया में भी इंडियन एयरफोर्स C-130J हरक्यूलीस एयरक्राफ्ट से 6.5 टन इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल भेजा है। इंडिया और तुर्की के बायलेटरल रिलेशन की बात करें तो पास्ट में इंडिया तुर्की के बायलेटरल टाइज स्ट्रेंड थे, क्योंकि कश्मीर मुद्दे में और दिल्ली रायट्स में तुर्की ने आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे। लेकिन लास्ट सितंबर में पीएम मोदी और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन समरकंद में मिलते हैं और साथ में आगे बढ़ने के लिए एग्री करते हैं, और इंडिया की तुर्की को हेल्प इस दिशा में एक कदम है। इसके बाद तुर्की के एम्बेसडर फिरात सुनेल जो इंडिया में है, उन्होंने भी इंडिया के इस हेल्प के लिए शुक्रिया कहा और एक ट्वीट भी किया। अब आइए जानते हैं तुर्की में अर्थक्वेक की हिस्ट्री के बारे में और उसके कॉज। आप इस पिक्चर में देखिए तुर्की में कब और कितने इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आए हैं और उसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। अब मैं आपको इसके कॉज के बारे में बताता हूं। अर्थ में 15 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिन्होंने अर्थ में मौजूदा लैंडस्केप को शेप दिया है और ये लगातार मूव कर रहे हैं। कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक तब आते हैं, पहला रीजन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, जैसा नेपाल में हुआ था। इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स कोलाइड किए थे और इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट के नीचे धस जाती है। दूसरा रीजन है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से चिपक कर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करती हैं और सडनली स्लिप कर जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? ये अर्थ क्रस्ट से बनी होती है और मेंटल की अपर मोस्ट लेयर्स। अर्थ क्रस्ट अर्थ की ऊपर की लेयर है और मेंटल ऊपर से दूसरे नंबर की लेयर है। इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर लेयर है जो कि गर्म और सेमी सॉलिड विस्कस होती है, जो कि कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट राइड करती है। तुर्की के केस में तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट के ऊपर है, जो कि 3 बड़ी प्लेट से सराउंडेड है, नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट, साउथ में अफ्रीकन, ईस्ट में अरेबियन प्लेट, और इनके बीच एनाटोलियन प्लेट तुर्की जिस पर है स्क्वीज्ड हो जाता है, मानो कि 3 तरफ से दबा दिया जाता है, और इसकी यही लोकेशन इसे अर्थक्वेक प्रोन बनाती है। अब अरेबियन प्लेट नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट को पुश करती है, जिससे कि एनाटोलियन प्लेट वेस्ट की तरफ जाती है, एगियन सी की तरफ। अब इस कोलिजन में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है 2 प्लेट्स के बीच। अब इस प्रेशर के कारण एक प्लेट या तो ऊपर उठ जाती है दूसरी प्लेट के, या तो नीचे धस जाती है, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे कि ट्रेमर या वाइब्रेशन होता है और आसपास की प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन फॉल्ट लाइन में होता है। ये फॉल्ट लाइन क्या है? ये है 2 प्लेट्स के बीच की दरार और क्रैक, जहां 2 प्लेट्स आपस में भिड़ जाते हैं। तुर्की की लोकेशन ऐसे ही 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन में है, जिससे कि यह सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ऐसे ही और भी कई सारी फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
ताकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा काम करे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो रिकमेंड करे। थैंक यू।